बॉलीवुड में कई स्टार्स के अफेयर ऐसे रहे हैं जिन पर जितना कहा और सुना जाए कम है। ऐसा ही एक अफेयर है सलमान खान और ऐश्वर्या राय का। जी हाँ, आपको बता दें कि सन 2000 के आसपास इस जोड़ी के इश्क के चर्चे बेहद आम हो चले थे। दोनों की नज़दीकियाँ फिल्म हम दिल दे चुके सनम के साथ शुरू हुई थी। आपको बता दें कि इसके साथ शूटिंग करते करते ये कब इतने करीब आ गए इन्हें मालूम ही नहीं चला। दोनों तकरीबन 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों बाहर से तो काफ़ी खुश दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच परेशानियां जन्म लेने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ऐश्वर्या को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे और ये बात ऐश्वर्या को बहुत खलती थी। इसके अलावा उनका फ्लर्टी नेचर भी ऐश्वर्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। शाहरुख के साथ फिल्म चलते चलते इसलिए हाथ से निकल गई थी क्योंकि नशे में धुत होकर सलमान खान ने सेट पर बहुत हंगामा किया था। इसके बाद ही ऐश्वर्या ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान को ये बात स्वीकार करने में काफ़ी वक्त लग गया था कि ऐश्वर्या अब उनके साथ नहीं है। वहीं ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या क्यों हो गया ना के को स्टार विवेक ओबराय के साथ जुड़ गई। आपको बता दें कि सलमान ने विवेक को भी जमकर गालियां दी थी और विवेक ओबराय ने भी इस बात का खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जी हां, इस मामले के बाद ऐश्वर्या ने विवेक से भी रिश्ता तोड़ लिया था। जी हां, अब ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन से हो चुकी है और ऐश्वर्या और अभिषेक की एक बेटी भी है। और अब सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।